हर साल दीपावली का त्योहार लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु दिवाली की कोई एक कथा या कहानी नहीं है, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, क्योंकि अलग अलग काल में और अलग अलग युग में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जो दिवाली के आसपास ही हुई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को भगवान श्री राम 14 वर्षों की वनवास के समय अवधि पूर्ण करके अपनी जन्मभूमि अयोध्या नगरी लौटे थे। राम जी अयोध्या वापस लौट के आए, इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। हर साल दीपावली के त्योहार को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु दिवाली की कोई एक कथा या कहानी नहीं है, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, क्योंकि अलग अलग काल में और अलग अलग युग में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जो दिवाली के आसपास ही हुई है। साथ ही शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें से एक माता लक्ष्मी भी थी। मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और साथ ही शास्त्रों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जब नरकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में अपने आतंक से हाहाकार मचा दिया था, तब सभी देवी देवता व ऋषि मुनि उसकी अत्याचार से परेशान हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसे विजय के उपलक्ष्य में 2 दिन तक खुशियां मनाई गई थी, जिसे नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली और दिवाली के रूप में मनाई जाती है। साथ ही साथ दिवाली में हम अपने धन और उस माध्यम की भी पूजा करते हैं, जिस तरह कृषि और वैश्य वर्ग अपनी फसलों की पूजा करता है, जैसे कोई सब्जी वाला अपनी तराजू की, और हम लोग अपने धन के माध्यम की पूजा करते हैं। और इस दिवाली के त्योहार में जब हम दिए जलाते हैं तो ये अंधकार पे रोशनी का प्रतीक है। NBC न्यूज की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।